अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 22 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ओपन ब्लॉक वेबसाइट, जो ब्लॉक वेबसाइट है आप उनको ओपन कैसे कर सकते हैं थ्रू प्रॉक्सी, और उसके अलावा यूट्यूब को पाकिस्तान में कैसे ओपन कर सकते हैं, और डिफरेंट एंटरटेनमेंट साइट कौन कौन सी, इनको कैसे ओपन कर सकते हैं, इनमें कैसे मूवीज वगैरह देख सकते हैं, और आप HD मूवी कौन कौन सी वेबसाइट में देख सकते हैं और एंटरटेन हो सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ अपना ब्राउजर। अब मेरे ब्राउजर में मैं कुछ साइट्स ओपन करता हूँ जो आपको बताऊंगा मैं, जिनमें आपके पास है यूट्यूब। यूट्यूब कंट्रोल एंटर करता हूँ तो मेरे पास यूट्यूब ओपन नहीं हो रही। यूट्यूब ओपन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये पाकिस्तान में ब्लॉक है। तो यूट्यूब को ओपन करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, कोई ना कोई प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। अब YouTube को ओपन करने के लिए play8.pk से आप YouTube ओपन कर सकते हैं। play8.pk में जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई होती हैं YouTube से रिलेटेड होती हैं सारी, आपने यहां से जो भी वीडियो सर्च करनी है आप सर्च कर सकते हैं। कोई सॉन्ग आपने सर्च करना है सॉन्ग सर्च करते हैं, नात आपने सर्च करनी तो नात सर्च कर सकते हैं, मूवी सर्च करनी है तो फिर मूवीज भी आप यहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो बस ये वाली नात है। डिफरेंट नात वगैरह आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब इसकी क्वालिटी आप चेंज करना चाहते हैं 240 है, 360 है, 720 पिक्सल करना चाह रहे हैं, HD क्वालिटी में नात सुनना चाह रहे हैं, 720 करने हैं। यहाँ से मैंने म्यूट कर लिया इसको। स्पीड इसकी बढ़ाना चाहिए यहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, इसका साइज बढ़ाना चाहिए यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं। सो डाउनलोड करना चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे, और इसमें यहाँ से क्लोज कर दो। तो यह प्लेट। अब यूट्यूब को आप ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ से हॉटस्पॉट शीट है इसको आप डाउनलोड कर लें। और स्पोर्ट शीट फ्री डाउनलोड आप कर लें, डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें, आप यहां से भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और ये जो शीट होती है ये इसका फंक्शन ही होता है कि हर एक वेबसाइट जो पाकिस्तान में जिन पे बैन है या फिर जो ओपन नहीं हो रही है वो सारी सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगे यहाँ से। तो कुछ सॉफ्टवेयर है, अदरवाइज अगर आप इसी के एक्सटेंशन आप चाहते हैं, नहीं यार सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करते हैं, आप को आसान तरीका जो मैं बताऊंगा वो क्या है कि आप यहां पे क्लिक करें, सेटिंग में जाएं, एक्सटेंशन में जाएं, यहां पे गेट मोर एक्सटेंशन, और यहां से आप एक्सटेंशन एक डाउनलोड कर लें जो कि बहुत आसान तरीका है। वो एक्सटेंशन है ब्राउज, एक्सटेंशन आप यहां से डाउनलोड कर लें। तो इस एक्सटेंशन से भी आपकी वेबसाइट, एक तो ये आपकी फ्रेंडली यूज होती है, इसका साइज इतना नहीं होता, स्पेस इतना ज्यादा नहीं होता, आपके ब्राउजर को इतना हैवी नहीं करेगी ये, और एकदम से इंस्टॉल हो जाती है ये एक्सटेंशन। ओके, यहाँ पे आप ऐड हो गया, ऐड टू फॉर्म करें। इसके मोमेंटम भी मेरे पास हो गया, चलें एक्सटेंशन मेरे पास यहाँ पे ये वाली आ गई जी। यहाँ पे जाता हूँ मैं, सेटिंग में जाके मैं देखता हूँ जरा, इनको आप डिलीट कर दीजिए जो एक्सटेंशन नॉर्मल फजूल में, रिमूव कर दिया मैंने इसको। एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रही, सेटिंग्स
सर्च करते हो यहाँ पे एप्स है, एप्स को नहीं आपने एक्सटेंशन को सिलेक्ट करते हो, तो मैंने यहाँ से एक्सटेंशन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ऐड टू क्रोम कर लें इसको और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करें। तो आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आपने एक्सटेंशन को सिलेक्ट करना है। ओके तो मेरे पास ऐड हो चुकी है एक्सटेंशन, यहाँ पे आपका एक्सटेंशन ऐड है। टर्न ऑफ करेंगे तो ये काम नहीं करेगी, अभी टर्न ऑन है। और यहाँ से अपने YouTube सर्च करता हूँ, YouTube जो ही मैंने लिखा तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा कि आपका YouTube डायरेक्ट ओपन हो जाएगा पाकिस्तान में। ओके तो ये बेस्ट एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप आसानी से कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, वेबसाइट में आप सर्च कर सकते हैं। या नाथवारा लिखता हूँ, डिफरेंट नाथ मेरे पास आ गए हैं, क्लिक करें तो नाथ मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और ये स्ट्रीमिंग इसकी बहुत अच्छी होती है, यहाँ से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उससे स्ट्रीमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ से आप देखें तो इसको आप चेंज, आप एक्सटेंशन ऐड करके आप अपनी कोई भी साइट जो उसको ओपन कर सकते हैं। एक्सटेंशन को ऑफ करना तो अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन ऑफ हो जाएगी। आप इसे अब आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपका यूट्यूब काम नहीं करेगी, या आप कोई भी ओपन करता हूँ मैं यहाँ से, तो देखें काम नहीं करेगी। तो आपने यहाँ से एक्सटेंशन को क्लिक करें और इसको आपने यहाँ से प्रोटेक्ट भी करेंगे तो आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जी एक्सटेंशन का फायदा है। उसके अलावा और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि डेली मोशन है, फिर आप यहाँ पे गूगल ब्लॉग वेबसाइट को ओपन करने का एक और तरीका है, हॉटस्पॉट शीट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, उससे भी आपकी हो जाएगी। फाइल हेल्पो में जाएं और यहाँ से आप हॉटस्पॉट शीट आप डाउनलोड करके उससे भी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपकी एक्सटेंशन यूज करें, और ये एक्सटेंशन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम में ही एक्सटेंशन जो है तो आपके गूगल क्रोम के साथ ऐड हो सकते हैं, उसके अलावा किसी और साथ नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हॉटस्पॉट शीट, अब इस हॉटस्पॉट शीट को आप डाउनलोड करें, यहाँ पे आपके पास आ गया, इसको डाउनलोड करेंगे आप। और डाउनलोड करने के बाद आप जो है तो इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल जब करेंगे तो आपके पास कोई भी वेबसाइट ओपन हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका ब्राउजर थोड़ा स्लो हो जाएगा और उसके अलावा आपकी स्ट्रीमिंग जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस चीज़ को फॉलो करें, ब्राउज को आप यहाँ पे अपनी एक्सटेंशन से ऐड करें। उसके बाद है यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं कोई भी वेबसाइट जो ब्लॉक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप ब्लॉक, स्टॉप ब्लॉक पे क्लिक करें, स्टॉप ब्लॉक क्लिक करें यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे तो आपके पास यहाँ पे स्टॉप ब्लॉक से यहाँ आगे आप यहाँ पे अपने रैंडम है, और यहाँ पे प्रॉक्सी साइड लिखनी है कौन सी साइड है जो ब्लॉक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्विक लिंक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ www.youtube.com। ओके मेरे पास यहाँ पे भी अब भी YouTube ओपन हो जाएगी, देखें स्टॉप ब्लॉक से मेरे पास YouTube ओपन हो गया। अब इसका फायदा ये कि आप यहाँ से कोई भी चीज डाउनलोड करना चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि इस एक्सटेंशन के थ्रू आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो डाउनलोड आप यहाँ पे स्टॉप ब्लॉक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज डाउनलोड करनी है तो आप प्ले इट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले इट भी जो कि यूट्यूब से सारी वीडियो सामने ले आती है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, डेली मोशन है, डेली मोशन है। डेली मोशन आप ओपन करें, इसमें भी आपको तकरीबन हर किस्म की आपको वीडियो वगैरह मिल जाती है, आपने कोई मूवीज वगैरह देखनी है, सॉन्ग वगैरह सुनने, तो आप उसके लिए यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करें और यहाँ पे वीडियो चैनल को सर्च करें। कोई भी आप वीडियो चैनल या वीडियो आप सर्च करेंगे तो बस यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे भी देखें नात आ गई, कोई भी नात आप क्लिक करें तो बस नात चलना स्टार्ट हो जाएगी।
क्वालिटी आप चेंज कर सकते हैं अपना गूगल क्रोम पे। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, आप वहां से भी कर सकते हैं कोई भी अपने अगर डाउनलोडिंग करनी है या कोई भी अपने वीडियो वगैरह देखनी है, तो उसके लिए एक VIEMO वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है ये। आप इसे पर यार आप मीन इससे आप इसका अकाउंट परचेज कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि आपके अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो को डाउनलोड ना कर सके तो आप डाउनलोड, अगर वीडियो चाहते हैं ना करें तो उसके लिए आप इसको इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर देखें तो अकाउंट है, मेंबरशिप ऑप्शन है डिफरेंट, क्लिक करें यहाँ पे मेंबरशिप ऑप्शन में, तो यहाँ पे वेमो प्लस है 5 GB से लेकर 250 GB पर ईयर आता है हमारे पास। क्लिक करें यहाँ पे, ये प्रो है और यहाँ पे इसका 59.95 जो है तो US डॉलर जो है तो वो पर ईयर आपने सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो इसकी कंप्लीट डिटेल आप पढ़ना चाहते यहाँ से पढ़ सकते हैं इसका फायदा क्या है। और इसी तरह आप अगर और भी काफी सारे अकाउंट हैं सेल वीडियो, अगर आप कोई वीडियो वगैरह सेल कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो जब तक आपके अकाउंट में पैसे वो बंदा नहीं डालता तो आपकी वीडियो चले ना प्ले ना हो, तो उसके लिए आपके पास डिमांड अकाउंट है जो कि बहुत जबरदस्त अकाउंट है, ऑन डिमांड अकाउंट है। ठीक है, इसकी वीडियो आप देख लें, आपको कंप्लीट डिटेल समझ आ जाएगी इसके बारे में। वीडियो सर्च करनी है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, वीडियो कोई भी अपनी वीडियो सर्च करनी है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे सर्च हो जाएगी। तो इन सब अकाउंट में आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के लिए आपने ज्वाइन पे क्लिक करना होता है और अपने एक अकाउंट अपना बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अपनी अपनी वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, अपने चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट में क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप दे दें, ईमेल एड्रेस दे दें और पासवर्ड दे के आप यहाँ पे लॉग इन भी क्लिक करें तो लॉग इन हो जाएंगे। उसके बाद आप अपलोड पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन कोई मूवीज वगैरह देखनी है तो उसके लिए भी आप काफी सारी वेबसाइट्स हैं, आप गूगल में सर्च करें काफी सारी हैं। इस यहाँ पे वेबसाइट है जिनके थ्रू आप मूवीज वगैरह देख सकते हैं। आप मूवी का नाम लिखें, कोई भी मूवी आप नाम लिख के आप एंटर कर दें तो काफी सारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप अपनी मूवीज को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिफरेंट साइट थी जिनके थ्रू आप अपनी वीडियोज वगैरह HD क्वालिटी में देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अपलोड कैसे की जाती है, डाउनलोड कैसे की जाती है, इनके ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।